तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करें स्टडी इन लाइफ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर को सुजैन हिल ने लिखा है। इस चैप्टर में दो पीपल्स के बारे में बताया हुआ है जो सोचने और विचारने में बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन से सफर कर रहे हैं। एक बूढ़े आदमी है जिसका नाम है मिस्टर रैम्प। उनका रैग टिन का है। मिस्टर रैम्प रोगों के बारे में और जिंदगी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचते विचारते हैं, और दूसरी ओर जो छोटा सा लड़का डैडी है उसका एक साइड का फेस जरा हुआ है। वो बाहर की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा डरता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी ऑन द फेस ऑफ इट की, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईलाइट वर्ड्स, और स्क्रीन पे इजी लैंग्वेज में सेंटेंसेस होंगे जिससे आप पढ़कर इजीली आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके सेंटेंसेस भी आसानी से बन जाएंगे। डैडी धीरे धीरे घास के रास्तों में से चलता हुआ रैम के बाग में एक दीवार फान के चला जाता है। डैडी को ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन मिस्टर रैम्प उसके सामने आ जाते हैं और डैडी उनसे चौकन्ना हो जाता है और बोलता है कि वो तो बस एक सेब तोड़ने आया था। मिस्टर रैम्प डैडी को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करते हैं और मिस्टर रैम्प डैडी को बोलते हैं कि हाँ वो सेब ले सकता है, और मिस्टर रैम्प डैडी को बोलते हैं कि तुम मुझसे डरो मत और तुम्हें मेरे वजह से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर रैम्प बोलते हैं मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे बैग में कौन आता है, मेरे गार्डन के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, और तुम दीवार फान के क्यों आए, तुम तो सीधे गेट से भी आ सकते थे। डैडी कहता है कि वो वहाँ पर चोरी करने नहीं आया। मिस्टर रैम्प उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह वहाँ पर रुक सकता है। मिस्टर रैम्प और डैडी दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डैडी बोलता है कि लोग उसके फेस से डरते हैं और उससे बात भी नहीं करते, कि मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक रखता है, यहाँ तक कि अगर मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद ही घबरा जाता हूँ। मिस्टर रैम्प उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलते हैं छड़ी मारकर वह जंगली सेब नीचे गिरा देंगे और फिर उसका जेली बनाएंगे। डैडी बोलता है कि आप पॉइंट चेंज मत करो, मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर रैम्प को लगता है कि शायद डैडी का फेस आग से जल गया है, लेकिन डैडी उसे सच्चाई बताता है कि नहीं, मेरा फेस आग से नहीं एसिड से जरा है। एक बार गलती से एसिड उसके चेहरे पर गिर गया था जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया है। मिस्टर रैम डैडी को बोलते हैं कि हम दोनों की कंडीशन सेम ही है, तो डैडी कहता है नहीं, मैं अभी जवान हूँ और आप बूढ़े हो गए हो, मेरा तो चेहरा जरा हुआ है और आपकी टिन रैग है। मिस्टर रैम बोलते हैं कि हर एक पौधे के पास घास भी होता है और प्यारा सा फूल भी होता है, सुख दुख तो साथी है जीवन का, ये हमेशा चलता ही रहता है। मिस्टर रैम की एक टांग विस्फोट में उड़ गई थी, उसे बच्चे रैमी रैम भी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। मिस्टर रैम बोलते हैं कि टिन का टांग या जरा हुआ चेहरा यही बस एकमात्र बात नहीं जिस पर हम ध्यान दें, दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे जंगली सेब, सूर्यमुखी के फूल और बहुत कुछ। इन सब चीजों में भी हम अपना ध्यान बना सकते हैं और जीवन जीने का आनंद भी ले सकते हैं। डैडी कहता है कि लोगों ने उसे बहुत सी परियों की कहानियां सुनाई है, तुम कैसे दिखाई देते हो ये जरा जरूरी नहीं, लोग उससे बोलते हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि वो सब झूठ बोलते हैं। डैडी बोलता है मेरा फेस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और उसे कोई भी किस नहीं करेगा, बस उसकी मम्मी ही उसे किस करती है, वो भी उसके दूसरे फेस पर जिस फेस पर जरा हुआ नहीं है। मिस्टर रैम डैडी से पूछते हैं कि तुमने कभी ये सोचा है कि एक सुंदर लड़की तुम्हें किस करेगी, जिस लड़की की लंबे बाल होंगे और बड़ी बड़ी आँखें होंगी। डैडी बोलता है नहीं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। डैडी को इस बात का दुख होता है कि वह कभी भी ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक कि जब वह अपनी जिंदगी में मिस्टर रैम की तरह बड़ा हो जाएगा तब भी वह वैसा ही दिखाई पड़ेगा और उसका आधा चेहरा ही दिखाई देगा। मिस्टर रैम डैडी को बोलते हैं तुम्हारा चेहरा तो आधा है परंतु संसार का चेहरा तो पूरा है ना, तुम्हें उसकी ओर देखना चाहिए।
डैडी को रोक दिलासा दिलाने के लिए ये बात बोलते हैं कि वह जन्म से गूंगा हो सकता था या फिर अंधा भी हो सकता था और पागल भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम्हारे अंदर तो बस छोटा सा ही दाग है। डैडी अपने आप को जैसे ही समझाता है वैसे ही दूसरी चीज उसे फिर से उसकी हालत याद दिला देती है। एक बार जब वह मार्केट गया था तो एक औरत दूसरी औरत से बोलती कि देखो कितनी भयानक चेहरा है इस लड़के का, और बोलती है कि इसकी माँ ही बस इसे प्यार कर सकती है। मिस्टर एम डैडी को बोलते हैं कि यार दुनिया की बातों को तो बिल्कुल ही मत सुनो। डैडी बोलता है इसलिए वह लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करता। लोग उसे घूरते हैं और उसके बारे में भरा बुरा बोलते हैं जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मिस्टर एम डैडी को बोलते हैं कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते, और इसी बात पर वो उसे एक आदमी की कहानी सुनाते हैं। वो आदमी संसार की हर एक चीज से डरता था और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। एक दिन उसके ऊपर एक तस्वीर गिरी जिससे उसकी मौत हो गई और वह उस कमरे में ही पड़े पड़े मर गया। उसने कभी भी अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लिया। मिस्टर एम बोलते हैं जिंदगी जैसा भी हो उसका आनंद लो। मिस्टर एम बोलते हैं कि वह धूप में बैठ के पुस्तकें पढ़ते हैं और उन्हें पर्दा पसंद नहीं। मिस्टर एम डैडी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो कान हैं, दो आँख हैं, पैर हैं, हाथ हैं, तुम अपना रास्ता अपने आप बना सकते हो जैसा भी तुम चाहो। डैडी बोलता है कि वह लोगों को पसंद नहीं करता। फिर उसे मिस्टर एम बताते हैं कि किसी चीज को पसंद ना करना एक तेजाब की बूंद की तरह है जो हर एक चीज को खत्म कर देता है और उससे बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। डैडी अब खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। डैडी बोलता है मैं वापस फिर से आऊंगा। मिस्टर रैम्प उसे बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं वापस फिर से आऊंगा लेकिन कोई भी नहीं आता। डैडी बोलता है नहीं नहीं मैं तो आऊंगा। घर वापस आकर डैडी अपनी मम्मी को बताता है कि वह रैमी रैम्प से मिला और वह बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने उससे बहुत सारी बातें करी। उसकी मम्मी उसे चेतावनी देती है कि वह आगे से कभी भी वहां ना जाए। डैडी अपनी मम्मी को बोलता है कि वहां पर एक बूढ़े आदमी रहते हैं जिनका बहुत ही बड़ा बाग है और वहां पर कच्चे सेब भी हैं। वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं जैसे आज तक किसी ने भी नहीं की, और वो मुझे पॉजिटिव सोचने के लिए भी बोलते हैं। डैडी मिस्टर रैम के बाग में दौड़ता हुआ जाता है और चिल्लाता है कि मैं वापस आ गया। तभी उसे एक धमाके की आवाज आती है। एक सीढ़ी नीचे गिर गई थी और उस सीढ़ी के साथ साथ मिस्टर रैम भी नीचे गिर गए थे जिसके कारण मिस्टर रैम की मृत्यु हो गई। वह सेब तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़े थे और सीढ़ी फिसल गया। मिस्टर रैम को उस कंडीशन में देखकर डैडी रोने लगता है और बोलता है रैम मैं तो आया था वापस। स्क्रीन पे है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप आंसर में यूज करके आंसर तो हाईलाइट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में यूज करके एक स्मार्ट पर्सन की तरह इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है रस्टलिंग, साउंड ऑफ लीव्स जिसका मतलब होता है पट्टों की सरसराहट। सेकंड वर्ड है क्रैप एप्पल्स, वाइट एप्पल्स जिसका मतलब होता है जंगली सेब। थर्ड वर्ड है एम्पिटी, डिजास्टेड जिसका मतलब होता है सुनसान। फोर्थ वर्ड है प्रिटेंड, शो ऑफ जिसका मतलब होता है दिखावा करना। फिफ्थ वर्ड है बीट, अ लिटर जिसका मतलब होता है थोड़ा सा। सिक्स्थ वर्ड है रबिश, यूजलेस थिंक जिसका मतलब होता है बेकार। सेवंथ वर्ड है मिजरेबल, अनहैप्पी जिसका मतलब होता है परेशान। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले तो एग्जाम में आ ही गए हैं और आने के चांसेस भी हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि डैडी मिस्टर रैम के गार्डन में क्यों गया था और वह चौकन्ना क्यों हो गया उनसे, तो इसका आंसर होगा डैडी मिस्टर रैम को बोलता है कि वह उनके गार्डन में किसी भी चीज को चुराने नहीं आया था। वो सोचता है कि वह एक खाली जगह है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। डैडी चौकन्ना हो जाता है जब मिस्टर रैम उसके पास आते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि डैडी जंगली सेब तोड़ने में मिस्टर रैम की हेल्प क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर होगा डैडी मिस्टर रैम की हेल्प नहीं कर सकता था जंगली सेब तोड़ने में क्योंकि वह अपने घर से बहुत देर से बाहर था और उसकी मम्मी परेशान हो रही होगी। वो अपनी मम्मी को बताना चाहता था कि मैं कहां पर था। उस जगह से उसका घर 3 मील की दूरी पर था। वो 14 साल का था लेकिन अभी भी उसकी मम्मी परेशान हुआ करती थी कि मेरा बेटा कहाँ गया है और कैसा है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मिस्टर रैम का दरवाजा हमेशा खुला क्यों रहता है, तो इसका आंसर होगा मिस्टर रैम फिजिकली ठीक नहीं थे और उनसे मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं होता था उनके पास।
उनके घर का दरवाजा इसलिए खुला रहता था कि कोई भी उनके घर में कभी भी प्रवेश कर सकता है। कि डैडी की लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आ गया था जब वह मिस्टर एम से मिला, तो इसका आंसर होगा एक ओल्ड मैन जिसका नाम मिस्टर एम होता है और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम डैडी होता है। डैडी मिस्टर एम के गार्डन में चला जाता है ये सोच कर कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर से मिस्टर एम निकल के आते हैं जिसे देखकर वह घबरा जाता है और बोलता है कि मैं किसी भी तरह का चोरी करने नहीं आया था यहाँ पर। मिस्टर एम उसे कंफर्टेबल फील करवाते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ पर ठहर सकता है। डैडी उससे बताता है कि मेरा फेस एक साइड से जल गया है जिस पर एसिड गिर गया था, और बोलता है कि मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक है इस पूरी दुनिया में, लोग मुझे भयानक सकर के बोलते हैं और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। फिर मिस्टर रैम्प अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरा भी पैर एक ब्रास्ट में खराब हो गया और अब मेरा पैर तीन का है, सब मुझे रैम्बी रैम्प बोल कर चिढ़ाते हैं। मिस्टर रैम्प डैडी के दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग भर देते हैं और उसे दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं, जिसकी वजह से डैडी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।